हेलो एवरीवन, अनीति अमिशस पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन, वो भी बिना मैदा के और बिना मावे के। हम बनाएंगे गेहूं के आटे के एकदम नए तरह के गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होते हैं और एकदम स्पंजी बनते हैं। गेहूं के आटे के गुलाब जामुन बनाना बहुत ही आसान है और मैं आपको पहले भी काफ़ी तरीके से इसे बनाना बता चुकी हूँ, और आज मैं आपको इसे और भी परफेक्ट तरीके से बनाना बताऊँगी, जिससे कि आपके गुलाब जामुन भी एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे और सबको ये बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए जल्दी से हम गेहूं के आटे के हेल्दी, टेस्टी और स्पंजी गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चाशनी बनाने के लिए हम 1 से 1.5 कप चीनी लेंगे और इसमें हम मिलाएंगे 3/4 कप पानी। और हमें चाशनी जो है एकदम गुलाब जामुन के जैसे ही बनानी है, जैसे कि मावे के गुलाब जामुन की चाशनी हम बनाते हैं। तो यहाँ पर गैस को हम ऑन कर देंगे और चाशनी को अच्छे से गर्म होने देंगे, चीनी इसमें मेल्ट होने देंगे। जब चाशनी इस तरह से उबलने लगे और चीनी अच्छे से इसमें पिघल जाए, तब हम इसमें मिलाएंगे ये 2 हरी इलायची। तो इलायची मैंने इस तरह से खोल कर इसमें मिलाई है। तो अभी ये चाशनी थोड़ी सी पतली है, इसे हम 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो चाशनी है वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, अगर ये गाढ़ी हो जाएगी तो आसानी से गुलाब जामुन के अंदर तक नहीं जा पाएगी। तो इस तरह से हम इसे चेक करें तो हल्की सी चिपचिपाहट हमारी उंगलियों में इस तरह से होनी चाहिए। तो ये एकदम परफेक्ट है। जैसे जैसे ये थोड़ी ठंडी होगी ये और भी गाढ़ी होगी। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है, फ्लेम को बंद कर देंगे और चाशनी को साइड में रख देंगे। अब गुलाब जामुन के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप गेहूँ का आटा लिया है। ये वही आटा है जिसे कि हम रोटियां बनाते हैं। तो गेहूं के आटे में हमें सबसे पहले मिलाना है घी, तो 2 टेबलस्पून देसी घी इसमें मिला लेंगे और घी को हमें अच्छे से आटे में मसलना है, अच्छे से इसे रब करते हुए मिला लेना है, जिससे कि गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे और चाशनी इसके अंदर तक जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हाथों से हमें इसे मिला लेना है। तो ये मैंने अच्छे से आटे और घी को मिला लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, जिससे कि फ्लेवर आएगा हमारे इस गुलाब जामुन में। और गुलाब जामुन को स्पंजी बनाने के लिए इसमें हम मिलाएंगे 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। यहाँ पर हमें बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करना है, खाने वाला सोडा या मीठा सोडा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और बेकिंग पाउडर बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाता है। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे ये मिल्क पाउडर। ये 1/2 कप से थोड़ा सा कम मिल्क पाउडर मैंने लिया है, और अगर ग्राम्स में देखें तो ये लगभग 50 ग्राम मिल्क पाउडर है। तो इन सभी पाउडर चीज़ों को हम आटे में और घी में अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो गेहूं के आटे के गुलाब जामुन है वो टेस्टी हो जाएंगे। अब बात रही गुलाब जामुन को सॉफ्ट करने की, क्योंकि कई बार ऐसा होता होगा कि आपके गुलाब जामुन अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो पाते होंगे। तो गुलाब जामुन को एकदम सही से सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें हम मिलाएंगे ये मैश किया हुआ पनीर, या आप छेना भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पर। तो 1/4 कप मैंने पनीर लिया है और इसे मैंने हाथों से अच्छे से मसल लिया है, एकदम मैश कर लिया है। इसे गुलाब जामुन एकदम अच्छे से सॉफ्ट बनते हैं। तो इसे हम इस तरह से अच्छे से इसमें मिला लेंगे। और अब हमें डो तैयार करना है। तो डो तैयार करने के लिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाएंगे। दूध एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए और एकदम सॉफ्ट सा डो हमें इसका तैयार करना है। तो ये देखिए, लगभग 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें दूध मिलाया है और एकदम सॉफ्ट सा इस तरह का डो मैंने तैयार कर लिया है, जिसे अब हम थोड़ा सा नीट करेंगे। इसे थोड़ा सा इस तरह से मसल लेंगे, जिससे कि ये चिकना हो जाएगा और अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा ये गुलाब जामुन बनाने के लिए गेहूँ के आटे का परफेक्ट डो तैयार है। ये देखिए, एकदम अच्छे से ये इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही से हमने इसे तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में घी को गर्म होने के लिए रखा है, गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए। आप चाहे तो तेल का या फिर डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्लो से, हल्की से ज़्यादा आंच पर इसे हम गर्म होने देंगे। इधर हम हमारे तैयार आटे में से गोल गोल गुलाब जामुन बना लेंगे। तो छोटे छोटे से बॉल हमें बनानी है, क्योंकि बाद में गुलाब जामुन फूल जाएंगे। तो पहले हमें इस तरीके से बॉल को हाथों में मसलना है, इसे बाइंड करना है और अच्छे से हल्के हाथों से दबाते हुए एकदम स्मूथ गोल इसकी बॉल बना लेंगे। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो बॉल हमने बनाई है इस पर दरारें या क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसकी बॉल बना ली है गुलाब जामुन के लिए। अब अगर आप चाहें तो गुलाब जामुन में किशमिश भी स्टफ़ कर सकते हैं।
किशमिश हुए, काजू बादाम हुए, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें अंदर फिल कर सकते हैं। तो पहले इस तरह से अच्छे से मसलते हुए इसकी बॉल बना लेंगे और फिर इसमें ये एक किशमिश हम भर लेंगे इस तरह से, और फिर अच्छे से इसे बंद करते हुए हम इस तरीके से गुलाब जामुन बना लेंगे। यहाँ पर जो घी है ये भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो एक एक करके ये गुलाब जामुन हम इसमें डालते जाएंगे और इन्हें फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पर हमें घी को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना है इसे। तो ये देखिए इस तरीके से जब हम इसमें बॉल डालें तो ये तुरंत इस तरह से फ्राई होने चाहिए। तो एक बार में हम कुछ बॉल्स इसमें डाल देते हैं और चम्मच से इस पर हम ये घी थोड़ा थोड़ा इस तरह से डालते जाएंगे और कुछ सेकेंड्स के लिए इन्हें इसी तरह से फ्राई होने देंगे। अब हम इन्हें हल्के हाथों से चम्मच से पलट लेंगे और इन्हें रोटेट करते हुए अच्छा सा गुलाब जामुन जैसा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अब हमारे गुलाब जामुन पर काफ़ी अच्छे से कलर आने लगा है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गुलाब जामुन की बॉल है उन पर कोई भी दरारें या क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये थोड़ा सा खुल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, ये फटने या टूटने बिखरने नहीं लगेंगे। बस इनकी जो शेप है वो थोड़ी सी अनइवन हो जाएगी, लेकिन हमारे गुलाब जामुन तो एकदम परफेक्ट बनेंगे और खाने में टेस्टी बनेंगे। तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए इसे और फ्राई कर लेती हूँ ताकि इन पर और अच्छा सा कलर आ जाए। अब जो हमारे गेहूं के आटे के गुलाब जामुन है इन पर बहुत ही अच्छा सा कलर आया है, ये देखिए एकदम परफेक्टली सही से ये फ्राई हुए हैं और इन्हें फ्राई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब बारी है इन्हें गरम गरम चाशनी में डालने की, तो तुरंत ही इसे हम चाशनी में डाल देते हैं। तो यहाँ जो हमारी चाशनी है ये भी एकदम गर्म है, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब हम इसमें ये गुलाब जामुन बनाकर डालें, फ्राई करके डालें, तो चाशनी एकदम गर्म होनी चाहिए। और अच्छे से चाशनी में इसे हम इस तरह से मिला देते हैं और इसे हम ढक कर रख देंगे। अगर चाशनी ठंडी हो जाए तो फिर से उसे गर्म करना है और उसमें ये गुलाब जामुन डालने हैं। और ठीक इसी तरीके से मैंने ये दूसरे बैच के गुलाब जामुन भी फ्राई कर लिए हैं, ये देखिए। तो इसे भी हम ये चाशनी में डाल देते हैं, और जो हमारे पहले वाले गुलाब जामुन है वो थोड़े थोड़े से चाशनी को अब्सॉर्ब करने लगे हैं, तो इसे भी हम चाशनी में अच्छे से मिला देंगे। और इसे हमें अब लगभग आधे से एक घंटे के लिए रख देना है, जिससे कि गुलाब जामुन में अंदर तक अच्छे से चाशनी चली जाएगी और ये एकदम सॉफ्ट और जूसी हो जाएंगे। बीच में अगर हो सके तो एक दो बारी हम इन्हें अलटते पलटते रहेंगे, और अभी आप देखिए कि ये एकदम अच्छे से रोटेट हो रहे हैं, और जब ये चाशनी को अब्सॉर्ब कर लेंगे तो ये थोड़े से और फूल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गुलाब जामुन को आधे घंटे तक चाशनी में डिप रखा है, और अब आप देखिए कि गुलाब जामुन ने चाशनी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है और ये फूल चुके हैं। तो जल्दी से मैं आपको इसे सर्व करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारे एकदम नए तरीके के स्पेशल गेहूं के आटे के गुलाब जामुन तैयार है, जो कि आप देखिए एकदम स्पंजी बने हैं और चाशनी इसके अंदर तक गई है, और टेस्ट में ये बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से एकदम परफेक्ट तरीका बताया है गेहूं के आटे का गुलाब जामुन बनाने का, जिससे कि आपके गुलाब जामुन भी एकदम स्पंजी और सॉफ्ट बनेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, कोई इसमें हार्डनेस नहीं है, कोई ये सख्त नहीं है, और चाशनी भी इसके अंदर तक गई है और बिल्कुल मावे के गुलाब जामुन जैसे ही ये दिख रहे हैं। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए, सबको ये बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ईटी यम्मी शोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की नई और परफेक्ट रेसिपीज़ मिलती रहें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हर रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस गेहूं के आटे के गुलाब जामुन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईटी यम्मी शोज़।